मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। काव्या ने बहुत बुरी तरह हंसते हुए कहा जब अरुण ने उससे कहा, बेवकूफ लड़की, तुमने सब चीज को मजाक समझ के रखा हुआ है, तब तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहती थी। अनुष्का चुपचाप काव्या को सारी बातें बताते हुए और हंसते हुए सुन रही थी। काव्या बहुत हंस रही थी और अनुष्का उसकी बातें सुन रही थी। जब उसने हंसना बंद किया तो आगे कहा, वापस आने के बाद अरुण सीधा रमेश के कैबिन में गए। कंपनी में बस एक वही है जो रमेश से नहीं डरते हैं। उनके पास ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चार्ज है और वो काफी लोगों को जानते हैं, उन्हें भी जो रूल्स के हिसाब से चलते हैं और उन्हें भी जो कोई रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू अरुण और उसके डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड करता है, इसलिए रमेश भी उनके साथ तमीज से पेश आते हैं। डायरेक्टर के ऑफिस के लोगों ने बताया कि अरुण काफी टाइम तक अंदर कैबिन में रमेश पर चिल्ला रहे थे और उन्होंने रमेश को फोर्स भी किया कि वो मेघा को नौकरी से निकाल दे, वरना अब वो यहाँ काम नहीं करेंगे। और ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि रमेश मेघा को इतनी आसानी से नहीं निकालने वाले हैं और ना ही वो अरुण को नौकरी छोड़कर जाने दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वो मेघा से माफी मांगने के लिए कहेंगे। तब जाकर अरुण का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बात को खत्म किया। काव्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और फिर उसके बाद वो मेघा रमेश के पास गई और जाकर रोने लग गई। उसने उनसे तुम्हारी कंप्लेन भी की, लेकिन रमेश सर उसे तुमसे माफी मांगने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये एक बड़ा इशू था, खासकर जब आशीष ने अपनी लास्ट लाइन बोली थी कि उन्हें नहीं लगता कि आगे कभी भी खन्नाज और खुरानाज एक साथ कोई काम कर पाएंगे। तभी खुराना कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा क्लाइंट खो दिया था और ये मैटर कंपनी की इमेज के लिए बहुत बड़ा है। खन्ना कंपनी को नाराज करने का एक अंजाम ये भी हो सकता है कि हमारे सारे बड़े क्लाइंट्स हमसे नाराज हो जाएं या फिर हमारे साथ काम करना ही ना चाहें और हमारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दें, और इसीलिए इस बार रमेश सर तुम्हें खुद वापस बुलाएंगे और सब बिगड़ी हुई चीजें ठीक करने के लिए कहेंगे। ये तो पक्का है कि इस बार वो तुम्हें ठीक से ट्रीट करेंगे, इसलिए तुम रिजाइन मत करो। वैसे भी आज के टाइम में अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब वो तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आए तब तुम बिना सोचे समझे उन्हें बेहतरीन तरीके से सुनाना और उनकी सारी गलतियां याद करवाना। सब कुछ सुनने के बाद अनुष्का ने काव्या से कहा कि वो रमेश को उसका एड्रेस ना दे क्योंकि वो कुछ दिन शांति से रहना चाहती है। अनुष्का की बात सुनकर काव्या ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ, वैसे भी उन्हें कुछ दिन तो तुम्हारे लिए वेट करना ही चाहिए, आखिरकार उन्होंने खुद ही तो ये परेशानी अपने सिर मोल ली है। अनुष्का ने फोन रखा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। अपने उन शांति के कुछ दिनों में उसने ना तो इंडस्ट्री की कोई न्यूज देखी, ना अपना फोन ऑन किया और ना ही अपने घर से बाहर निकली। उसे जब भी भूख लगती थी तो वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती थी और बाकी वो सारा दिन बस टीवी देखते हुए गुजारती थी। दूसरी तरफ ऑफिस में रमेश रोज काव्या को अनुष्का के बारे में पूछने के लिए परेशान करता था। अनुष्का का फोन ऑफ होने की वजह से कोई भी उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था। काव्या हमेशा एक ही जवाब देती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि अनुष्का का फोन ऑफ है और उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसने फिर काव्या से अनुष्का का एड्रेस पूछा, हालांकि उसने कंपनी के एम्प्लॉयज रिकॉर्ड में से अनुष्का का एक एड्रेस लिया तो था, लेकिन वो उसके पुराने घर का था और अब वो उस घर में नहीं रहती थी। रमेश ने जब काव्या को ये बताया तो उसने कहा, क्या ये उसका एड्रेस नहीं है? वो नए घर में चली गई है, कब? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। रमेश इरिटेशन और चिंता से अपना सिर खुजाने लग गया। 3 दिन तक शांति से घर में अकेले रहने के बाद अनुष्का ने फाइनली अपना फोन ऑन कर लिया। जैसे ही उसने फोन ऑन किया उसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल्स के नोटिफिकेशन आने लगे। अनुष्का ने देखा कि सारे मिस्ड कॉल्स ऑफिस से थे और उसने बिना कुछ सोचे सारी नोटिफिकेशंस क्लियर की।
उसके बाद जैसे ही उसने अपना मैसेज बॉक्स खोला तभी उसे एक और कॉल आ गया। अनुष्का ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो। ओ गॉड अनुष्का, ये रमेश की आवाज थी। अनुष्का ने रिप्लाई किया, कौन? रमेश ने एम्बेरस होकर कहा, रमेश बोल रहा हूं। ओह डायरेक्टर रमेश, क्या हुआ? अनुष्का ने कहा। रमेश ने पूछा, अनुष्का मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, तुमने अपना फोन क्यों नहीं ऑन किया था? मैंने उस दिन जो भी कहा वो बस गुस्से में कहा था, उन बातों को दिल पर मत लगाओ। तुम काम पर वापस कब आओगी? अनुष्का ने सीधा कहा। ओह लेकिन मैंने उस दिन जो कहा था वो सीरियसली कहा था, रमेश ने नाखुश होते हुए कहा। उस दिन जो कुछ हुआ था वो मेरी गलती थी। रमेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो अनुष्का जैसी मामूली एम्प्लॉय से इस तरह आवाज नीचे करके बात कर रहा था और उसके नखरे सह रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कंफर्म कर लिया था कि अभी तक अनुष्का ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रिजिग्नेशन नहीं दिया है। उसे डर था कि वो अपनी बात पर अड़ी रहेगी और जब उसे ये पता लगेगा कि खन्नास का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसकी वजह से उन लोगों से वापस ले लिया गया है तब तो वो और हवा में उड़ने लगेगी। अनुष्का ने कहा, आप ऐसे मत कहिए, मेरे लिए ये शर्म की बात होगी। अगर खुराना कंपनी नहीं होती तो मैं भी आज कुछ नहीं होती। इस कंपनी ने मुझे तब अपॉइंट किया था जब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तो एहसानमंद हूं आप लोगों की। रमेश ने कहा, अनुष्का मैं गलत था जो मैंने तुम्हें वो सब बोला। प्लीज मेरी बातों को दिल पर मत लगाओ। मैंने आज तुम्हें इसलिए कॉल किया ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा। मुझे पता है तुम्हारे और मेघा के बीच कुछ ठीक नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं उसे तुम्हारे पास लाऊं और माफी मंगवाऊं? अगर तुम वापस आकर खन्ना प्रोजेक्ट लेना चाहती हो तो हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं और तुम्हारी वापस आने की कंडीशंस भी डिस्कस कर सकते हैं। अनुष्का ने जवाब दिया, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो हम बाहर कहीं मिल सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, रमेश ने कहा और तुरंत पास की कॉफी शॉप डिसाइड की और कहा, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। अनुष्का ने फोन रख दिया और मुस्कुराई, हालांकि उसे अपनी पुरानी कंपनी में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो भी ये जानती थी कि उसे लैंडमार्क बिल्डिंग डिजाइन करने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार हो गई। फोन रखने के बाद वो वापस बैठकर अपना टीवी सीरियल देखने लग गई। उसने तब तक टीवी देखा जब तक फिक्स किए हुए टाइम से 10 मिनट ज्यादा नहीं हो गए। अनुष्का जानबूझकर लेट गई थी और जब वो कॉफी शॉप के अंदर गई तो उसने सबसे पहले मेघा को देखा जो काफी बेसब्री से रमेश को कुछ कह रही थी। अनुष्का उन्हें सुन तो नहीं पा रही थी लेकिन उसको लग रहा था कि मेघा जरूर उसकी बुराई ही कर रही होगी। रमेश के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो कितना शर्मिंदा है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने के। अनुष्का ने उनके पास पहुंचकर कहा, सॉरी वेट करवाने के लिए, और ये कहकर वो उनके सामने बैठ गई। मेघा ने कहा, तुम खुद को बहुत स्पेशल समझती हो, देखो तुम कितनी लेट हो, हम कब से यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है कि ये कंपनी तुम्हारे बिना चल ही नहीं सकती? जब मेघा ये सब कह रही थी तो रमेश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया।
उस वक्त कैफे काफी शांत था, इसीलिए सब मेघा के चिल्लाने की आवाज सुन रहे थे। अनुष्का गुस्से में खड़ी हुई और कहा, मुझे नहीं लगता कि यहां डिस्कशन करने की कोई गुंजाइश है। रमेश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अनुष्का अनुष्का पहले बैठ जाओ, हम आराम से बात करते हैं। काफी कोशिश करके अनुष्का को रोकने के बाद रमेश मुड़ा और मेघा से गुस्से में बोला, मैंने यहां आने से पहले तुम्हें क्या कहा था? मैं तुम्हें यहां अनुष्का से माफी मांगने के लिए लाया हूं। अगर तुम तमीज से नहीं रह सकती तो यहां से जा सकती हो। रमेश को इस तरह गुस्से में बात करता हुआ देख मेघा कांप गई थी। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। रमेश को बिस्तर में खुश रखने के अलावा उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। यहां तक कि वो कंपनी को हो रहे नुकसान की आधी जिम्मेदार थी। रमेश के डांटने के बाद वो थोड़ी तमीज में आ गई। मेघा को पता था कि वो जॉब गलत रास्ते से मिली है, इसीलिए वो ये जानती थी कि अगर उसे वहां से निकाल दिया गया तो उसकी काबिलियत के ऊपर तो उसे दूसरी जॉब नहीं मिलने वाली है। वेटर आया और अनुष्का ने एक कप कॉफी ऑर्डर की। वेटर के जाने के बाद रमेश बोला, अनुष्का मैं मानता हूं कि हमारी गलती थी, तुम बस एक बार काम पर वापस लौट आओ, हम तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। आज से तुम हमारी कंपनी की चीफ आर्किटेक्ट हो। अनुष्का चुप रही लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।